गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर 13th चैप्टर टाइम एंड मोशन. ओके, यू डू ऑलमोस्ट ऑल योर एवरीडे वर्क एट अ सर्टेन टाइम. द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टाइम इज एसेंशियल फॉर कैरिंग आउट आवर डेली एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव योर ब्रेकफास्ट एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द मॉर्निंग. देखिए, समय का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है और समय के महत्व को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. आप हमें अपने हर एक काम को समय समय पर पूर्ण करना चाहिए. उदाहरण के लिए, जैसे आप अपने ब्रेकफास्ट को आपने एक पर्टिकुलर टाइम पर लिया होगा. यू नीड टू नो द टाइम टू रीच द स्कूल. आपको ये भी पता होना चाहिए कि स्कूल पर कितने बजे तक पहुँचना है. यू हैव टू रेसेस एट अ पर्टिकुलर टाइम. हमारा रेसेस भी एक पर्टिकुलर टाइम पर होता है. ओके, इसके साथ साथ आप ये भी देखते होंगे, यस, रेसेस एट पर्टिकुलर टाइम. सिमिलरली, यू नीड टू नो द टाइम व्हेन योर स्कूल गेट ओवर. आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका स्कूल कब ओवर हो रहा है. द टाइम फॉर योर फेवरेट टेलीविजन प्रोग्राम. आपके टेलीविजन प्रोग्राम का भी एक टाइमिंग, फिक्स टाइमिंग, वो भी आपको पता होना चाहिए. द टाइम यू शुड गो टू बेड, यस, आपको बेड पर जाने का भी समय आपको पता होना चाहिए. ओके, हाउ डू यू गेट टू नो द टाइम. आखिर हम लोग समय को जानते कैसे हैं? वी नो द टाइम विद द हेल्प ऑफ क्लॉक्स एंड वॉचेस. हम घड़ी की मदद से हम समय के बारे में जानते हैं. ओके, हाउ डिड पीपल इन एंशियंट टाइम गेट टू नो द टाइम. आइए जानते हैं कि किस तरीके से एंशियंट टाइम में, यानी प्राचीन समय में, पुराने समय में लोग कैसे समय को जानते थे. ओके, इन एंशियंट टाइम्स पीपल डिड नॉट हैव क्लॉक्स और वॉचेस फॉर नोइंग द टाइम. ओके, तो पुराने समय में लोगों के पास क्लॉक नहीं हुआ करते थे. बट दोज पीपल न्यू द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम. लेकिन फिर भी वो लोग समय के महत्व को जानते थे. और एंसेस्टर्स यूज सम नेचुरल इवेंट्स दैट रिपीट रेगुलरली आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम टू मेजर द टाइम. ओके, कुछ ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज़ थी, नेचुरल इवेंट्स थे, जिसके आधार पर वो समय को मेजर कर लेते थे. ओके, फॉर एग्जाम्पल, द टाइम टेकन बिटवीन वन सनराइज टू द नेक्स्ट सनराइज वॉज कॉल्ड अ डे और अ सोलर डे. ओके, एक दिन को वो कैसे नापते थे? सुबह से लेकर के शाम तक का जो समय हुआ, उसी को वह डे के रूप में मानते थे. The time taken between one new moon to the next new moon was called a month. Okay, यानी moon का जो situation होता है, इसके आधार पर वो month का अपना अंदाज़ा लगा लिया करते थे. The time taken by the earth to complete one revolution around the sun was a year. और एक complete earth का एक complete revolution को ही, सूर्य के चारों तरफ एक कंप्लीट रिवोल्यूशन को ही क्या मानते थे वो? इसको ईयर मानते थे. सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट मेजरिंग डिवाइसेस यूज्ड इन एंशियंट टाइम वर सन डायल एंड क्लॉक, सैंड क्लॉक एंड द वाटर क्लॉक. ओके, ये मुख्य तौर पर थे जिसकी मदद से टाइम को मेजर किया जाता था. मेजरमेंट ऑफ टाइम, वी नीड टू मेजर टाइम इंटरवल विच आर मच शॉर्टर देन अ डे. ओके, अब हमको ये भी इम्पॉर्टेंट है इस बात को समझना कि एक दिन, जो एक दिन से भी छोटे समय को मेजर करना हमें आना चाहिए, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. क्लॉक एंड वॉचेज आर द मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइसेज यूज्ड बाय अस. तो समय को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, किसका यूज करते हैं, किस डिवाइस का यूज करते हैं? कॉमनली क्लॉक का यूज करते हैं. ओके, ऑल द क्लॉक्स एंड वॉचेज यूज द प्रिंसिपल ऑफ पीरियोडिक मोशन फॉर मेजरिंग द टाइम. ओके, टाइम के मेजरमेंट को करने के लिए वो पीरियोडिक मोशन को फॉलो करते हैं. यू हैव लर्न द प्रीवियस क्लासेस दैट अ मंथ अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द पीरियोडिक मोशन. ओके, जब एक प्रॉपर ऐसा मोशन जो एक इंटरवल पर अगेन रिपीट किया जाता हो, उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं. ओके, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट शोज पीरियोडिक मोशन इज अ सिंपल पेंडुलम. ओके, ये किसकी मदद से होता है? सिंपल पेंडुलम की मदद से
इसको मापा जाता है। नाउ सिंपल पेंडुलम, व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम? अ सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटल बॉल कॉल्ड बॉम सस्पेंडेड बाई अ लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट सच एज द बॉब इज फ्री टू स्विंग बैक एंड फोर्थ। ओके, पेंडुलम एक्चुअली क्या होता है, एक मेटल का बॉल होता है और वो लेफ्ट एंड राइट घूमते रहता है। आप लोगों ने इसको घड़ियों में वॉचेस में लगा हुआ देखा भी होगा। द मोशन ऑफ पेंडुलम वॉज फर्स्ट स्टडीड बाई गैलीलियो। ओके, तो सबसे पहले इसको किसने स्टडी किया था? गैलीलियो ने इसको स्टडी किया था। अ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल पेंडुलम इज सम। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे यही हुआ, इज शोन इन फिगर 13.2। 13.2 में यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ओके, तो 13.2 पर आप किसको देख रहे हैं? सिंपल पेंडुलम को। सम टर्म्स रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम, आइए सिंपल पेंडुलम के बारे में हम कुछ उसके टर्म्स को समझते हैं। लेंथ ऑफ द पेंडुलम, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग फ्रॉम द पॉइंट टू द सस्पेंशन ऑफ द सेंटर ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ओके, जैसे यहाँ पर देखिए लेंथ को किसमें, 13.2 के बी में जैसा कि आपको दिखाया गया है, इसमें जो एल है इसी को हम लेंथ ऑफ पेंडुलम कहते हैं। एल देख रहे हैं आप ऊपर से लेकर के नीचे तक। ओके, नाउ मीन पोजिशन ऑफ द बॉब, द पोजिशन ऑफ द बॉब वेन इट इज एट रेस्ट इज कॉल्ड द मीन पोजिशन। ओके, जब वो अपनी स्थिति में एकदम स्थिर रहता है तो उसको हम मीन पोजिशन कहते हैं। द पोजिशन ए ए इज द मीन पोजिशन ऑफ द बॉब। ओके, तो ए पोजिशन क्या है, ये बॉब का मीन पोजिशन है। एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द बॉब, ओके, इसका एक्सट्रीम पोजिशन क्या होता है? बी और सी जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक्सट्रीम पोजिशन आता है, एक्सट्रीम पोजिशन में इसको कहते हैं। ओके, द मैक्सिमम द पोजिशंस वेयर द बॉब इज एट द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन आर कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजिशन। नाउ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम, वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ बॉब अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड एज ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ओके, यानी अपने मीन पोजिशन से लेफ्ट और राइट जो मूवमेंट हुआ यही हमारा क्या हुआ, ऑसिलेशन हुआ। जैसा कि आप यहाँ से कैसे देख सकते हैं, फ्रॉम ए टू बी देन बी टू सी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ए टू बी एंड बी टू ए टू सी, इसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। ओके, नाउ एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम, अब आइए पेंडुलम के एम्पलीट्यूड को समझते हैं। एज द पेंडुलम ऑसिलेट्स टू एंड फ्रो द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजिशन ऑन ईदर साइड इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द पेंडुलम। ओके, तो इसकी जो अधिकतम इधर उधर की स्थिति में, यानी जब पेंडुलम लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कर रहा था, तो लास्ट जो उसकी सिचुएशन होगी उसी को हम उसकी क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। इन फिगर दैट इज द डिस्प्लेसमेंट इज ए बी और ए सी इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। देखिए ए बी और ए सी, इसको हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। ओके, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम। ओके, एक पीरियड मतलब एक कंप्लीट मूवमेंट करने में, टू एंड फ्रो मूवमेंट करने में जो समय लगता है उसे हम पेंडुलम का टाइम पीरियड बोलते हैं। ओके, द टाइम टेकन बाय द बॉब ऑफ द पेंडुलम टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी फाइनली बैक टू द ए इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। ओके, इसका ये टाइम पीरियड होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेंडुलम, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय अ पेंडुलम इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ पर क्या क्लियर किया जा रहा है, 1 सेकेंड में कितनी बार पेंडुलम ऑसिलेट करता है। ओके, इसको ही हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ पेंडुलम। ओके, जिसको किसमें SI यूनिट फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज। ओके, HZ इस तरीके से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी एफ इज इक्वल टू 1/T, टी मीन्स टाइम पीरियड। ओके स्टूडेंट, नाउ हियर
Here we will study about few very interesting things. We will firstly understand the things about our great scientist Galileo. Galileo was the first one to make use of pendulum. Once Galileo was sitting in a cathedral church, Pisa, Italy. There he saw a cathedral hanging from the ceiling with a long chain swinging slowly. ओके, ये गए थे चर्च में और चर्च में वहाँ पर कुछ ऐसा लटका हुआ देखते हैं. देयर वॉज नो वॉच और क्लॉक दैट टाइम टू मेजर द टाइम. ओके, उस समय कुछ ऐसा कोई क्लॉक घड़ी नहीं हुआ करती थी. सो गैलीलियो टाइम्ड द ऑसिलेशन बाय काउंटिंग द बीट्स ऑफ हिज पल्स. ओके, उन्होंने अपनी पल्स यानी अपनी धड़कन को काउंट करके ऑसिलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर किया. ऑन Careful observation, he found that while the oscillations of cathedral gradually slowed down, okay, और धीरे धीरे वह स्लो भी होता रहा, the time taken by the oscillation still remained the same, okay. In other words, a pendulum of a given length always takes the same time to complete one oscillation, okay. This observation led to the development of pendulum clock. और इस तरीके से पेंडुलम क्लॉक का की खोज हुई. ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर यू विल वी विल स्टडी अबाउट फ्यू इंटरेस्टिंग थिंग्स अबाउट. हियर इज न्यूमेरिकल. सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकंड्स टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशंस. व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? यू कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ दैट इज योर टाइम बाय ऑसिलेशन. ओके, 1.6 सेकेंड, दैट विल बी द वन ऑसिलेशन, टाइम टेकन फॉर वन ऑसिलेशन. नाउ लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टाइम. आइए अब देखते हैं हम लोग लेटेस्ट ट्रेंड में किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है. द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल पेंडुलम इज यूज इन अ पेंडुलम क्लॉक. द ऑसिलेशंस ऑफ अ पेंडुलम कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक. यानी ये क्या करता है, जो पेंडुलम होता है ये मिनट की सुई और घंटे की सुई के मूवमेंट को ये कंट्रोल करता है. द मैकेनिज्म रिस्ट वॉच डज नॉट हैव अ पेंडुलम इंस्टेड. जबकि आप देखते हैं कि रिस्ट वॉच कलाई घड़ी में ऐसा कुछ लगा नहीं होता है. इंस्टेंट इट हैज़ अ बैलेंस व्हील दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ इट्स हैंड्स. ओके, यानी इसका क्या होता है, इसके अंदर एक बैलेंस होता है, बैलेंस व्हील होती है अंदर और यही इसको कंट्रोल करता है. दीज डेज मोस्ट ऑफ अस यूज क्वार्ट्ज क्लॉक्स एंड वॉचेस. और इस समय हम क्वार्ट्ज क्लॉक्स और वॉचेस को यूज़ करते हैं. क्वार्ट्ज हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑसिलेशन व्हेन सब्जेक्टेड टू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अब इसकी क्या विशेषता होती है क्वार्ट्ज क्लॉक की, कि थोड़ी सी भी करंट उसको मिलती है तो भी वो चलने लगता है और वो प्रॉपर एक प्रॉपर आपके टाइम को मेजर करता है. In these watches, an electric cell and quartz crystal are placed in an electric circuit. Okay, वहाँ पर क्या लगाया जाता है, एक बैटरी लगाई जाती है. Okay, quartz crystal. The quartz clock are more accurate than the pendulum clock. Okay, pendulum clock की तुलना में यह बहुत ही correct timing देते हैं. For measuring short interval of time, a stopwatch is used. Okay, थोड़े समय को मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हम स्टॉप वॉच यूज करते हैं. इट इज़ यूज टू स्टार्ट आर स्टॉप विद हेल्प ऑफ पुश बटन. इसमें पुश बटन होता है, उसकी मदद से हम उसे या तो स्टार्ट या तो बंद कर सकते हैं. एंड इज यूज टू मेजर शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स इवेंट्स, यानी स्पोर्ट के इवेंट के लिए, बाकी इन सब के लिए इसको यूज किया जाता है. इट कैन मेजर 1/10 ऑफ अ सेकेंड, यानी एक सेकेंड के दसवें भाग को भी यह मेजर कर सकता है. फॉर द मोस्ट एक्यूरेट मेजर मेंट एटॉमिक क्लॉक्स आर बीइंग यूज्ड. और आजकल परफेक्ट टाइमिंग मेजरमेंट के लिए एटॉमिक क्लॉक यूज किया जा रहा है. द क्लॉक्स आर बेस्ड ऑन द वाइब्रेशन ऑफ एटम फॉर मेजरिंग द टाइम. ओके, ये एटम्स के वाइब्रेशन के आधार पर ही वर्कआउट करते हैं. यूनिट्स ऑफ टाइम, आइए देखते हैं टाइम की यूनिट क्या होती है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग ऑफ टाइम इज सेकेंड. ओके, मतलब समय का जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसे हम सेकंड कहते हैं. द एसआई यूनिट ऑफ टाइम
इज सेकेंड एंड इज रिटेन एज एस, ओके, ये एसआई यूनिट इसका सेकेंड होता है जिसे एस से लिखते हैं। द लार्जर यूनिट ऑफ द टाइम इज मिनट आवर एज रिटन एम आई एन एंड एच रेस्पेक्टिवली, ओके, एंड यू नो एवरी थिंग अबाउट दिस। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर, 24 आवर इक्वल टू 1 डे, 30 डेज इज 1 मंथ, 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर, 10 ईयर्स इक्वल टू 1 डेकेड, 100 ईयर्स इक्वल टू सेंचुरी, एंड 1000 ईयर इज इक्वल टू मिलेनियम, ओके। इस तरीके से यहाँ पर कुछ आपको पैरामीटर्स यहाँ पे समझाए गए हैं। अब आइए जानते हैं स्लो एंड फास्ट मोशन क्या होता है। स्लो और फास्ट मोशन को भी सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं मोशन क्या होता है, ओके। व्हेन यू लुक अराउंड योर क्लासरूम यू सी दैट मेनी थिंग्स लाइक डेस्क बोर्ड टेबल डू नॉट मूव, दे आर सेड टू बी एट रेस्ट, ओके। जो भी आपके आसपास कोई भी वस्तु अगर घूमती रहे तो उसको हम रेस्ट पोजिशन में बोलते हैं। हाउएवर यू सी सम चिल्ड्रेन प्लेइंग इन द स्कूल ग्राउंड, सम मूविंग इन कॉरिडोर एटसेट्रा, दे सेड टू बी ऑन मोशन, ओके। और हम ऐसा भी देखते हैं कि कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कुछ कॉरिडोर में घूम रहे हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, इसको इसको हम मोशन में बोलेंगे। इन साइंस एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद टाइम विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। अपनी सराउंडिंग के अनुसार अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन समय के अनुसार नहीं बदल रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, वो उस ऑब्जेक्ट को हम स्थिर बोलेंगे। एंड ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम, ओके। जब यह समय के अनुसार अपने प्लेस को बदलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोशन बोलते हैं, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के अनुसार। इन क्लास सिक्स यू हैव लर्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस लाइक रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, रोटेशनल मोशन एंड पीरियडिक मोशन। ये डिफरेंट टाइप के मोशंस के बारे में आपने सिक्स में पढ़ा होगा। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मोशन मेड बाय द ऑब्जेक्ट इन द गिवन पिक्चर्स, राइट देयर नेम्स, ओके। यहाँ पर दिया हुआ है, ब्लैंक प्लेस है यहाँ पे, ओके। तो आपको बताना है कि यहाँ पर किस टाइप का मूवमेंट हो रहा है, ओके। सर्कुलर है और या तो स्ट्रेट लाइन, या किस तरीके का यहाँ पे मोशन है हो रहा है, किस टाइप का मोशन है, आपको ये क्लैरिफाई करके यहाँ पर लिखना है। स्लो एंड फास्ट मोशन, आइए देखते हैं स्लो और फास्ट मोशन क्या होता है। व्हेन यू गो टू स्कूल बाय अ बाइसिकल इट इज इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, ओके। जब आप अपने स्कूल बाइसिकल से जाते हैं तो काफ़ी समय लग जाता है। व्हेन बट व्हेन यू गो बाय अ बस इट टेक्स अ लेजर टाइम, जब आप बस से जाते हैं तो थोड़ा कम समय लगता है। यू सी दैट द बस मूव फास्ट वेयर एज द बाइसिकल मूव स्लो, वेरी सिंपल। एन ऑब्जेक्ट दैट टेक्स अ लॉन्गर टाइम टू कवर द सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड टू बी स्लो, मतलब एक विशेष स्थान पर पहुंचने में अगर कोई ऑब्जेक्ट अधिक समय ले रहा है तो उसे हम स्लो बोलेंगे। वेयर एज एन ऑब्जेक्ट टेक्स अ शॉर्टर टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस, अगर एक ही डिस्टेंस को दूसरा कोई कंप्लीट करने में कम समय ले रहा है तो उसे हम फास्ट बोलेंगे। एन ऑब्जेक्ट कैन मूव फास्ट एट वन टाइम एंड स्लो एट अदर टाइम, ओके। यानी एक ऑब्जेक्ट कभी वह तेज भी हो सकता है, कभी स्लो भी हो सकता है। अ बस मूव्स स्लोली ऑन अ बिजी रोड, ओके। बिजी रोड पर आप क्या देखते हैं, उसकी स्पीड काफ़ी कम होती है। एंड फास्ट ऑन एन एम्प्टी रोड, और अगर खाली रोड है तो उसको क्या बोलते हैं, बहुत तेज चलती है। यू कैन फाइंड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज स्लो आर फास्ट बाई नोइंग इट स्पीड, ओके। तो हम स्पीड के द्वारा हम इसको मेजर कर सकते हैं, इसको जान सकते हैं, ओके। नाउ स्पीड, स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट इन अ यूनिट टाइम, ओके। स्पीड मतलब किसी स्पीड को हम क्या कह सकते हैं, मूविंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी एक किसी एक वस्तु का ट्रैवल बाय यूनिट यानी एक यूनिट टाइम में किसी एक विशेष स्थान पर दिए गए समय में पहुंचने को ही हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज स्पीड। व्हेन यू नो दैट द डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट एंड द टाइम टेकन बाय इट इज इट टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस, यू कैन कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग द फार्मूला, ओके। आप फार्मूला के माध्यम से आप इसको मेजर भी कर सकते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड टाइम टेकन, ओके। सपोज दैट हियर इज
अ कार ट्रैवल डिस्टेंस 240 किलोमीटर इन इन 4 आवर्स, देन इट्स स्पीड विल बी, तो देन 240 में हम 4 का डिवाइड कर देंगे 60 किलोमीटर पर आवर, यही इसकी स्पीड होगी। ओके, अगर आपको एवरेज स्पीड निकालना है तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। ओके, इस तरीके से इस फार्मूला के माध्यम से भी हम इसे मेजर कर सकते हैं। नाउ यूनिट्स ऑफ स्पीड, स्पीड आइए हम लोग स्पीड की यूनिट के बारे में जानते हैं। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड द टाइम ऑफ टाइम दैट इज सेकेंड। सो द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हम स्पीड का यूनिट जानना चाहें तो मीटर पर सेकेंड यही इसका यूनिट होगा। ओके, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर, आइए जानते हैं स्पीडोमीटर क्या होता है, ओडोमीटर क्या होता है। ओके, व्हेन यू लुक द डैशबोर्ड ऑफ योर कार यू विल सी मैनी इंस्ट्रूमेंट ऑन इट। स्पीडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑन द व्हीकल डैशबोर्ड दैट इंडिकेट द स्पीड ऑफ व्हीकल एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम इन किलोमीटर पर आवर। ओके, आप देखते होंगे अपनी बाइक में देख लीजिए, कार में देख लीजिए, किलोमीटर पर आवर यानी जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाती है वैसे वैसे उसका बढ़ता जाता है स्पीड, ये क्या होता है, दैट इज योर स्पीडोमीटर। ओके, अब आइए जानते हैं ओडोमीटर क्या होता है। ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द व्हीकल इन किलोमीटर। ओके, ओडोमीटर ये होता है जो कितने किलोमीटर गाड़ी चली इसको यह शो आउट करता है। ओके, ध्यान से समझिएगा, यानी एक जो आप देखते हैं कि पॉइंटर लगा होता है, आपकी गाड़ी 40 के स्पीड में जा रही है, 30 के स्पीड में है, 80 के स्पीड में है, ये स्पीडोमीटर हुआ। और ओडोमीटर क्या होता है, कितने किलोमीटर गाड़ी चली इसको शो आउट करता है। ओके, नाउ हियर वी विल सॉल्व हियर फ्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज गिवेन हियर एंड यू हैव टू सॉल्व इट। हियर इज गिवेन न्यूमेरिकल ऑल्सो, द स्पीड ऑफ मूविंग कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, कैलकुलेट इट स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ पर एक कार की स्पीड दी गई है जो 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको इसकी स्पीड को हमको मेजर करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर हियर इज स्पीड ऑफ अ कार दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर एंड वी नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर एज यू नो, देन 1 आवर इज इक्वल टू 60 × 60 दैट इज 360 सेकेंड। यानी पहले हम डिस्टेंस को हम किस में बदलेंगे, मीटर में, और आवर को बदलेंगे सेकेंड में। देन आफ्टर स्पीड इक्वल टू टाइम बाय, ओके, देन क्या कर देंगे, जो आपका स्पीड है, स्पीड 72, अब इसको हम मीटर में चेंज करके फिर इसमें इसको 3600 यानी जो आपका गिवन टाइम है इससे हम क्या कर लेंगे, इससे हम डिवाइड कर देंगे 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड आ जाएगी। इसी तरीके से आपका दूसरा भी क्वेश्चन है, इसको आप देख लेंगे, इसमें कोई, ये तो टोटल न्यूमेरिकल थिंग्स है जिसको कि हम इजीली क्या कर सकते हैं, खुद से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क टू मी। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अब आइए इसको इसको समझते हैं और इसको पढ़ते हैं। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स द सेम वाइल मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, यानी जब किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड किसी अगर वो सीधी रेखा में चल रहा है और एक बराबर बना हुआ है, वी कैन से दैट द स्पीड इज कॉन्स्टेंट। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसकी स्पीड क्या है, कॉन्स्टेंट है। ऑन द अदर हैंड इफ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंजेस, अब अगर वो बराबर बदलते जा रहा है, कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, देन वी कैन सी दैट द स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट बट इट इज़ वेरिएबल। यहाँ पर वह स्पीड क्या है, वेरिएबल है। देयर फोर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ इट्स स्पीड अ मूविंग ऑब्जेक्ट मे हैव यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, स्पीड के नेचर के आधार पर यह यूनिफॉर्म मोशन भी हो सकता है, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू बी हैव अ यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स स्पीड रिमेन्स कॉन्स्टेंट। मतलब अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है वो सीधी रेखा में चल रहा है और उसका उसकी जो स्पीड है एक बराबर बनी हुई है, तो ऐसे को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। इन केस द एवरेज स्पीड
ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एज एक्चुअल स्पीड, एन ऑब्जेक्ट हैविंग द यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ कार इज रनिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर, इट कवर्स इक्वल कवर दैट इज डिस्टेंस दैट इज 60 किलोमीटर। ओके, अगर किसी कार की स्पीड क्या है, एक एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, तो आप देखेंगे कि वह ये 1 आवर में वह 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। हाफ एन आवर, 1 आवर 30 किलोमीटर इज एवरी इन एवरी हाफ आवर 15 किलोमीटर इन इन एवरी क्वार्टर टाइम। मतलब अब इसी को डिवाइड करके हम देख सकते हैं तो पता चल सकता है कि किस तरीके से स्पीड रही है गाड़ी की। ओके, एंड सो ऑन। बट दिस मे नॉट एक्चुअली बी पॉसिबल इन डे टू डे सिचुएशंस ड्यू टू द हैवी ट्रैफिक। ओके, लेकिन हैवी ट्रैफिक की सिचुएशन में ऐसा पॉसिबल नहीं है, बैड रोड्स एट्सेट्रा, क्योंकि हम वहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन में हम चल ही नहीं सकते। दस इन रियल लाइफ सिचुएशन यू हार्डली फाइंड ऑब्जेक्ट मूविंग इन एन यूनिफॉर्म मोशन। हम रेयरली ही ऐसा हम यूनिफॉर्म मोशन में किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पा सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पाथ इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब एक बराबर स्पीड से अगर कोई एक ऑब्जेक्ट किसी एक सीधी रेखा में नहीं चल रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इट कीप्स ऑन चेंजिंग, बल्कि उसका समय क्या होते रहता है, हमेशा बदलते रहता है। एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन ट्रैवल अन इक्वल डिस्टेंस इन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, एज अ ट्रेन मूव्स आउट ऑफ द रेलवे प्लेटफॉर्म, इट कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। ओके, लगभग वह 1 किलोमीटर 10 मिनट में भी तय कर सकता है, एंड द नेक्स्ट 2 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। ओके, और अगला जो दो दो किलोमीटर होगा उसे भी वह 10 मिनट में तय कर सकती है। द ट्रेन देन पिक्स अप द स्पीड एंड ट्रेवल्स द नेक्स्ट 10 किलोमीटर इन 10 मिनट्स। और स्पीड अगर उसकी और बढ़ जाती है तो 10 किलोमीटर वह 10 मिनट में भी तय कर सकती है। वेन यू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर वेरियस डिस्टेंसेज, यू रियलाइज दैट द ट्रेन हैज़ नॉट कवर्ड द डिस्टेंस एट द सेम स्पीड। आप जब इसका औसत निकालते हैं तो आप इस तरीके से देखते हैं कि वो एक किसी एक हम क्लियर उसके सिचुएशन पे नहीं जा सकते कि किस स्पीड से यह गाड़ी चली है। सो द मोशन ऑफ अ ट्रेन इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म। इस तरीके से हम ट्रेन की इस स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हैं। हियर इज फ्यू क्वेश्चन यू हैव टू सॉल्व इट, दैट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। नाउ डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज हाउ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन मूविंग ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। यहाँ पर देखिए, हम इस ग्राफ की वजह की मदद से हम ये शो कर सकते हैं कि किस तरीके से किसी ऑब्जेक्ट का समय के अनुसार उसकी स्पीड घटती बढ़ती रही, इसको हम यहाँ पर शो कर सकते हैं। नाउ ग्राफ हैज़ जनरली प्लॉटेड ऑन ग्राफ पेपर, और इसे हम प्लॉटिंग कर सकते हैं ग्राफ पेपर पे। लेट अस लर्न टू ड्रा द डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ओके, ऑफ द फॉलोइंग डाटा। यहाँ पर जैसे एक डेटा दिया हुआ है, इस डेटा के आधार पर हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरीके से हम इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ ड्रा कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ड्रा टू लाइन्स ऑफ राइट एंगल टू ईच अदर ऑन अ ग्राफ एज सोन इन फिगर 13.7। ओके, मार्क द हॉरिजेंटल लाइन ऑफ ओ एक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, इट इज नोन एज एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। सिमिलरली मार्क वर्टिकल लाइन दैट इज लाइन एज OY, और इसको हम OY के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। ओके, द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ OX एंड OY इज कॉल्ड ओरिजिनल। ओके, ओरिजिन यानी ओ को हम क्या बोल सकते हैं, ओरिजिन बोल सकते हैं। ओके, द क्वालिटी द क्वांटिटी दैट इज मेड टू वेरी एट अवर विल इज कॉल्ड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो हमारी इच्छानुसार हो सकता है उसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। एंड द अदर दैट वेरीज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इज कॉल्ड डिपेंड वेरिएबल।
और जो हमारी विल के अनुसार नहीं होता है उसे हम डिपेंड वेरिएबल भी कह सकते हैं। इन दिस केस टाइम इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो टाइम इज शोन अलोंग एक्स एक्सिस, लेवल द एक्स एक्सिस बाय राइटिंग टाइम एंड मिनट इन द ब्रैकेट फॉलोड बाय एन एरो। इन दिस केस द डिस्टेंस इज डिपेंडेंट क्वांटिटी, ओके एंड नो सो डिस्टेंस इज शोन अलॉन्ग विद द एक्स एक्सिस लेवल वाई एक्सिस बाय राइटिंग द डिस्टेंस इन इन इट्स यूनिट किलोमीटर ब्रैकेट फॉलोड बाय द वाई एन एरो। यू शुड चूज सुटेबल स्केल एज सो एज टू रिप्रेजेंट द लार्ज वैल्यूज ऑफ टाइम एंड द डिस्टेंस कन्वेंशनली ऑन द स्मॉल ग्राफ पेपर फॉर द मोशन ऑफ कार स्केल स्केल्स इन दिस केस कुड बी टाइम दैट इज वन वन मिनट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस 1 किलोमीटर दैट इज 1 सेंटीमीटर। ओके मार्क वैल्यूज फॉर टाइम एंड डिस्टेंस ऑन द रेस्पेक्टिव एक्सिस अकॉर्डिंग टू द स्केल यू हैव टू चूज एन। इन दिस केस फॉर द मोशन ऑफ कार लाइकवाइज, इसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर फिगर जैसा कि यहाँ पर बनाया गया है, हम अपनी समझ के आधार पर और इसमें हम क्या दिखाना चाहते हैं उसके अनुसार हम यहाँ पे एक ग्राफिंग कर सकते हैं। अब आइए यहाँ पर हम देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर वेरियस फॉर्म्स ऑफ मोशन। अब अलग अलग मोशन के लिए हम इसको कैसे दिखा सकते हैं। ओके डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन फॉर यूनिफॉर्म यानी कॉन्स्टेंट स्पीड। वेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन इट इंडिकेट्स दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। ओके जैसा कि आपको 13.8 में यहाँ पर दिखाया गया है, द स्लोप ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो ये स्लोप दिखाया गया है ओ से लेकर के जो गया हुआ है यह क्या है, यह शो करता है कि इसको इंडिकेट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की स्पीड को यह शो आउट करता है। ओके लाइकवाइज इसी तरीके से हम यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन और वेरिएबल स्पीड। अब यहाँ पर वेरिएबल स्पीड यह देखिए धीरे 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 ये आगे की ओर बढ़ते हुए गया है, बढ़ने के बाद फिर ये कम भी हुआ है। व्हेन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व्ड लाइन, जब ये कर्व लाइन में होता है, इट इंडिकेट्स दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड। यहाँ पर देखिए ये जो दिखाया गया है वेरिएबल, यहाँ पर स्पीड को वेरिएबल स्पीड दिखाया गया है क्योंकि ये एक कर्व्ड लाइन के रूप में दिखाया गया है। द स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज नॉट यूनिफॉर्म, और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ व्हेन इज ऑब्जेक्ट स्टेशनरी, जब कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मतलब स्थिर है तो उस समय क्या क्या करेंगे, आफ्टर ट्रेवलिंग अ सर्टेन डिस्टेंस व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप एंड कम्स टू द रेस्ट, जब थोड़ी दूर चलने के बाद जब वो स्टॉप हो जाता है, देन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरालेल, तो उसको हम स्ट्रेट लाइन पैरालेल हॉरिजेंटली इसको हम इसको ड्रा करते हैं। द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो, और इस तरीके से हम ये शो कर सकते हैं कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है, दैट इज जीरो। ओके स्टूडेंट्स दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ओके दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर, थैंक यू।